वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि नकल करने के लिए अकल की भी ज़रूरत पड़ती है, और लगता है रांची के छात्रों ने इस कहावत को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। दरअसल नकल से जुड़े दो अलग अलग मामले सामने आए हैं। बता दें कि एक मामला रांची यूनिवर्सिटी से आया है, जहां MBBS के छात्र ने नकल करने वालों को भी हैरत में डाल दिया। अब क्या है पूरा मामला, इस पर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर और मैं हूं श्रेया। हुआ कुछ यूं कि बीते सोमवार से रांची यूनिवर्सिटी में MBBS फर्स्ट ईयर की परीक्षा शुरू हुई। इसके लिए PG मैथ्स डिपार्टमेंट में परीक्षा का केंद्र बनाया गया, लेकिन परीक्षा के दौरान इन विजिलेटर उस समय हैरान रह गए जब यह पता चला कि छात्रों ने नकल करने के लिए इस बार मेडिकल कार्य में उपयोग में आने वाले ट्रांसपेरेंट टेप से नकल करने का अपना जुगाड़ बैठा रखा था। बता दें कि स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट टेप पर आंसर प्रिंट करा कर लाए थे और ट्रांसपेरेंट टेप को परीक्षा केंद्र के बाथरूम के दरवाजे के पीछे चिपका दिया था। वहीं सेंटर सुप्रिंटेंडेंट व इन विजिलेटर जब स्टूडेंट्स की तलाशी के बाद बाथरूम की तलाशी लेने लगे तो दरवाजे के पीछे आंसर लिखा हुआ टेप चिपका हुआ मिला। सोमवार को फिजियोलॉजी विषय की परीक्षा थी। हालांकि इन्विजिलेटर को यह पता नहीं चल पाया कि आखिर कौन छात्र इसकी मदद से परीक्षा में नकल कर रहा था। फिलहाल यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने रिम्स के फिजियोलॉजी हेड को इसकी जानकारी दे दी है। वहीं दूसरा मामला DAV नंदराज स्कूल का है, जहां CTET की परीक्षा के दौरान DAV नंदराज स्कूल परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी के बदले दूसरा युवक रविवार को परीक्षा दे रहा था। वह जांच के दौरान पकड़ा गया। आरोपी का नाम रवि कुमार है और वह बिहार के मधेपुरा का रहने वाला है। गिरफ्तार युवक ने स्वीकार किया है कि वह प्रभात कुमार यानी अपने दोस्त की जगह परीक्षा देने आया था। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। और अक्सर बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है वह ज़्यादा दिन नहीं चलती है, और उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ नुकसान जल्दी दिखते हैं तो कुछ नुकसान थोड़े दिनों बाद, पर दिखता ज़रूर है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।